गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GNDU और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के रिजल्ट के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, कल 27 फरवरी है और उसके बाद 28 फरवरी, और इन दोनों दिनों में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट पब्लिश होने के। तो जिनका जिनका रिज़ल्ट कल या परसों आ सकता है, वो क्लासेस हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर, BSc मेडिकल फर्स्ट सेमेस्टर, BSc नॉन मेडिकल फर्स्ट सेमेस्टर, BSc बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, BSc फैशन डिज़ाइनिंग फर्स्ट सेमेस्टर, BCom फर्स्ट सेमेस्टर, BBA फर्स्ट सेमेस्टर, BCA फर्स्ट सेमेस्टर। तो जैसे ही किसी क्लास का रिज़ल्ट पब्लिश होगा GNDU की वेबसाइट पर, GNDU और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का, वैसे ही हम आपको अपडेट दे देंगे। आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस कल और परसों का दिन, फिर आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। उम्मीद है कि आप सभी का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया होगा और सभी स्टूडेंट्स पास होंगे। और अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बारे में। तो जो थर्ड सेमेस्टर है, उनके रिज़ल्ट मार्च फर्स्ट वीक से आने शुरू हो जाएंगे और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के 5-6 मार्च तक आने शुरू हो जाएंगे। तो थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों को भी ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस 3-4 दिनों बाद आपके रिज़ल्ट पब्लिश होने शुरू हो जाएंगे GNDU की ऑफिशियल वेबसाइट पर, GNDU.ac.in पर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हम जैसे कोई न्यू वीडियो आपके लिए लेके आएँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।